यार एक बात करनी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू फैशन. उफ 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 द क्यूट गर्ल्स वेयर वो बैगी क्लोथ्स ही पहनते हमेशा. जिगर सर एब्सोल्युटली. हां उनका एक अलग ही अलग सा ही अंदाज है. ऐसा अंदाज मैंने कभी नहीं देखा. इज वेरी हैंडसम यार. इज वेरी हैंडसम. मुझे वो बहुत बंगाली दिखती है. Hi, this is Sachin. Hi, this is Parampara, and you guys are watching this on Saregamapa Music. Music must be magic. Good morning. How are you guys doing? वेलकम टू सारेगामापा. आज पहला वो दिन है जब 12 लोग मिलके एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे. इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट टाइम फॉर मी एंड सचिन. बहुत ही एक्साइटिंग फीलिंग है बिकॉज वी लव दिस किड. दिस इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट एंड व्हेन इट्स बेस्ट ऑफ बेस्ट देन यू ऑल्सो एक्सपेक्ट सम किक-ऐस परफॉर्मेंसेस. बहुत ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ. ये लोग अलग अलग तरह के गाने गाने वाले हैं. मैं देखना चाहता हूँ कि कल हमने जो टेक्निकल में इनके साथ किया उसका आज क्या ट्रांसलेशन होता है स्टेज पे. अरे गुरु बाजी तो मतलब अपने भाई है. उनके बाजू में सचेत और परंपरा है, दोनों मेरे भाई बहन है. इट्स गोइंग टू बी अ रियली रियली इंटरेस्टिंग लॉन्ग एंड फन जर्नी. सो वी आर गुड टू गो नाउ सर. ओके चलो इट्स शूट टाइम. लेट्स गो. जो शिष्य होते हैं ना वो अपने गुरु की बड़ाई करते हैं. इनके लिए तो सचिन जिगर जी हैं. नहीं मैं इनसे पूछना चाहूंगा आप इस बारे में क्या क्या आपने विशेष टिप्पणी. अवर सचित परंपरा इज अवर सचित परंपरा नन ऑफ योर सचित परंपरा. जब भी टेक्निकल्स होता था सर हमेशा के बोलते हैं कि अरे वही गाने का थोड़ा सोल समझ के गाओ. मैं किस ज्यादा टेक्निकल्स में घुसती हूँ तो ही इज लाइक इन सोल पे भी फोकस करो. हमेशा मुझे ये बताते हैं वो जिस तरह से हमसे बात करते हैं ना वो लिटरली क्लियरली उनको पता है कि कंटेस्टेंट्स कैसे फील करते हैं ऑन फ्लोर. तो वो वैसे ही हमें भी ट्रीट करते हैं. परंपरा इज वेरी कंपैशनेट. अरे बहुत ज्यादा वेरी लविंग एंड वेरी काइंड. शी अंडरस्टैंड्स. हमारे सचिन जिगर सर क्या बताएं उनके बारे में. सर ने स्टूडियो बुलाया था. हमारे मेंटर को 2 बजे रात को कॉल लगाया या फिर दिन में कॉल लगाया दोपहर में कॉल लगाया हमेशा हम लोग का कॉल उठाते हैं और हमेशा जो पूछना रहता है हम लोग डायरेक्ट उनसे क्लियर करते हैं. हमारे गुरु एक ही है गुरु रंधावा जी जो हमारे मेंटर है. सही बात. जैसे ही स्टेज पे आते हैं ऐसे ऐसे करके स्टाइल मार के कैसे थोड़ा करके दिखा वो ऐसे ऐसे करके जब आते हैं ना. अच्छा गुरु सर इज अ सुपरस्टार एंड वो इतने बिजी हैं मतलब उनके इतने कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं हमेशा ही तो ही इज़ ट्रैवलिंग द वर्ल्ड. तो उसके बीच में वो किसी तरह मैनेज करके हमसे यू नो वैनिटी में बुला के मिलते हैं. हमारे गुरुजी तो ऐसे करते हैं जैसे शूट पे आते हैं हमको वैनिटी वैन में बुला लेते हैं. गाना होगा तो खाना होगा. क्या तैयारी क्या की है सब कुछ पता करते हैं फिर वो फ्लोर पे जाते हैं. देखो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हम कुछ ऐसी बातें नहीं बता सकते जिससे आप जल जाओ. नहीं हम जलना चाहते हैं. एक इंसान है जिसके बारे में बात करनी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू फैशन. जिगर सर. अरे मैंने सुना कि मेरे बाल देख के उन्होंने उनका वो हेयर स्टाइल सेट किया. भाई जिगर सर ने जब वो बाल रखना शुरू किए होंगे तब आप पैदा नहीं होंगे. अच्छा आपके गुरु लोगों ने तो खाना पीना कुछ किया आपको. नहीं किया. अरे हम अरे ठीक है भाई. अरे स्टूडियो में खाना नहीं होता खाना अलग बात होता है. उस दिन मैं वो शूट पे गई थी ना केरला में गई थी तो उसके बाद वापस आई तो पहले बताया था कि ऐसे मिलने जा रहे लेकिन लंच के बारे में बताया नहीं था तो वह सरप्राइज किया. मुझे लगा कि कुछ गाना गाने का. कहाँ गए थे तुम लोग. अरे ये पे पास में एक रेस्टोरेंट में गए थे. आलीशान खाना. आलीशान खाना. हाँ डूड मतलब इट वॉज Such a pretty ambience यार. तो हमें नाज है हमारे गुरु भी परंपरा से जुड़े हुए लोग. All the contestants are outstanding. उनका परफॉर्मेंस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है. कॉम्पिटिशन इतना बढ़ रहा है दैट यू नो इवन वी आर नर्वस वेन दे आर परफॉर्मिंग. सो एंड आई वॉन्ट दैट टू हैपन ऑन द शो बिकॉज दैट्स वेन वी ऑल आर यू नो ग्रोइंग टूगेदर. कुछ याद आ रहा है. कुछ याद आईफिल टावर के पीछे कुतुब मीनार नाच रहा था जो दिख नहीं रहा था वगैरह वगैरह. यहाँ पे हड्डी का क्या फायदा नहीं वहाँ पे तो कुछ काम नहीं की तुम्हारी हाइट. यो यू नाच रहा है यहाँ पे. अरे ये अरे वो तो
जैसे बुर्ज खलीफा के बगल में हमारा कोई सीट होटल होता है ना। ओ क्या बात है यार। लेकिन फिर भी कम से कम हम उतना तो गए। मेरा तो मोमेंट हुआ, मेरे लिए तो बोलियां भी डाली उन्होंने पंजाब की, मेरे साथ भंगड़ा भी किया। शायद ना भी मिलने के बाद में ये ऐसे सपने में चले गए, इनको विश्वास ही नहीं हुआ, बाकी का कुछ उन्होंने एपिसोड देखा ही नहीं। शिल्पा शेट्टी आने के बाद में जो तुमने दिमाग चलाया, आए हाय अगर सच में हम लोग मतलब तो जल के राख हो गए थे। बिल्कुल हो जाना चाहिए। देखो तो यार मतलब लड़के तो पागल ही हो जा रहे तेरे लिए, कोई तेरा भाई नहीं बनना चाहता, सब गजरे भेज रहे तुझे। गजरा के साथ और एक नोट भी है। नोट लेकर आओ इधर, मैं पढ़ूंगी ये नोट। बंद कर। आकाश, जय, अर्शनूर, उज्जवल, भाई है महर्षि, चेतन। चेतन के नाम पहले कहाँ से करी थी मैंने देखा था। कुछ भी भाई बन गया ना मेरा। कौन एक भाई बन गया? बस वही ना, मैं तो यहाँ पे सबको अपना भाई मानती हूँ, इसलिए तो मैं खुद उसको उनको सबको राखी बांधने गई थी ना। ये सही है भैया, मेरे राखी के बंधन को ना मारा। अबे भाई तेरे को पता लगा है कि क्या कुछ नीचे में जैमिंग वैमिंग सब है क्या? हाँ यार सुबह सुबह उठा दिया, बोल रहे कि जल्दी नीचे आओ रेडी हो। भाई 2 बजे सोए हैं यार। अरे मैं भी 2 बजे सोया, रात गाना मिला तो अभी तो मैंने गाना भी नहीं सुना अपना। अभी नीचे बोल रहे हैं कि जल्दी रेडी हो, क्या हो पता नहीं क्या करवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 भाई मेरे को तो समझ नहीं लगा। काउंटिंग वाउंटिंग नहीं किया है? काउंटिंग वाउंटिंग नहीं,